हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि कार कैसे ड्राइव करते हैं। आज हम ड्राइव के बारे में बताएंगे आपको कि कार किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से ड्राइव करते हैं, इसको किस तरीके से चलाना चाहिए अपने लिए, किस तरीके से इसको अपन को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अपन किस तरीके से कार चलाना है। दोस्तों कार चलाने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को, ये सब देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें। और दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप ये जल्दी से जल्दी सीख पाएँ। दोस्तों कोई भी हुआ दोस्तों, कितना ही बड़ा चलाने वाला हुआ दोस्तों, एकदम कभी नहीं सीखता है दोस्तों, धीरे धीरे ही सीखता है। लेकिन अपन को ये सीखने से पहले दोस्तों, अपन को जब गाड़ी पे बैठे अपन सीखने के लिए, तो अपन को एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, अपन को घबराना नहीं है, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठना है ताकि अपन इसमें घबराएं ना और एकदम अच्छे से कार को ड्राइव करें और सामने ध्यान देकर गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों हमको आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, किस तरीके से इसको सीखते हैं चलाना। आज हम आपको बोलेरो से बता रहे हैं और अगली बार जब भी होगा तो हम आपको जो भी पार्ट होगा उसको फिर कार से भी करके बताएंगे हम आपको। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर तो अपन को गाड़ी में बैठना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बैठना है। दोस्तों सबसे पहले नंबर अपन को लगाना है, बैठने के बाद में अपन को हैंड ब्रेक का ध्यान देना है। इस तरीके से अपन को ये चढ़ा होता है तो क्या होता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है या अपना पिछले के पहिए के ब्रेक शू वगैरह घिसा जाते हैं, तो इसको अपन को इस तरीके से उतार देना है। उतारने के बाद में दोस्तों फिर अपन को इस चीज़ के बाद में फिर ये सीट बेल्ट को लगाना है दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों कार ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए दोस्तों आप कभी ड्राइव मत करना, क्योंकि ये दुर्घटना हो जाती है, अपन किसी हादसे के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों मैंने ये सीट बेल्ट लगा लिया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन अपनी ये सीट है, इसके नीचे एक लीवर दिया हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये लीवर को दोस्तों अपने हिसाब से प्रेस कर लें, अपन को जिस हिसाब से इसको सेट करना है, आगे पीछे होता है ये दोस्तों मैंने आगे कर लिया इसको, ये पीछे कर लिया, ये आगे कर लिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है इसको दोस्तों। इसके बाद में अपन को, इसके बाद में अपन लोगों को दोस्तों खास करके ये ध्यान देना है कि अपन को जब भी गाड़ी वगैरह चलाना है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, अपन को जूतों का खास करके ध्यान देना है। जेंट्स वाले जूते पहन सकते हैं, लेडीज़ अपने हिसाब से पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को चप्पल वगैरह पहनकर नहीं चलाना है और अपन को कोई ढीले जूते वगैरह पहनकर नहीं चलाना है। अपन को जब भी गाड़ी ड्राइव करना है तो अपन को जूते पहनकर चलाना है। इससे क्या होता है दोस्तों, अपने पैरों में जो पसीना आता है उससे अपन चप्पल पहनते हैं, पसीना आता है, वो पसीने से जब अपन एकदम ब्रेक वगैरह या कुछ भी दबाते हैं तो वो अपना पैर स्लिप हो जाता है, स्लिप से एकदम ये छूट जाता है। तो ये छूटने से एकदम जो स्लिप हुआ, स्लिप से छूट गया, छूटने से क्या होता है दोस्तों, दुर्घटना हो सकती है, अपन के हादसे के किसी हादसे के शिकार हो सकते हैं अपन लोगों। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दें दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये तीनों चीज़ों के बारे में दोस्तों, ABC। दोस्तों ये तीनों चीज़ें मेन होती हैं गाड़ी चलाने के लिए, और दोस्तों इन चीज़ों पर खास करके ध्यान दिए कह रही आपको सीखना है। दोस्तों मैं बता दूं, ए माने एक्सीलेटर, बी माने ब्रेक और सी माने क्लच। ये तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखना है दोस्तों। अपना सीधा पैर अपना ये दोनों चीज़ों को पुश करेगा, दोनों चीज़ों को दबाता है, ये इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से पैर चलता है अपना, ये पूरा ज़मीन पर रख लें, पैर को नीचे ज़मीन पर रख लें और इसके बाद में ये इस तरीके से पुश करें। और दोस्तों इसको अपन को स्लो दबाना है, ये स्लो दबाना है इसको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्लो दबाना है। ये एक्सीलेटर होता है, अगर अपन को इसको एकदम दबा देंगे तो बहुत स्पीड से गाड़ी पकड़ लेगी, स्पीड से नहीं दोस्तों, अपन को इसको स्लो दबाते हैं। और दोस्तों इसके बाद अपन को ब्रेक को भी स्लो ही दबाना है, क्योंकि ये एक पैर जो अपना सीधा वाला होता है दोस्तों, राइट वाला पैर, ये दोनों चीज़ों को पुश करता है, एक ही पैर। तो इसको आपको ब्रेक को भी स्लो ही दबाना है। ब्रेक कब दबाएंगे आप, जैसे आपने ये क्लच को देख रहा हो, ये क्लच को अपन एकदम, क्लच को तो आप एकदम दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लच को आप एकदम दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लच को एकदम ही दबाते हैं जबकि जब अपन को गाड़ी में से एकदम रोकना हो कहीं पे, और जब ड्राइव करते हैं जिसको हल्के इसको भी मतलब उस हिसाब से दबाते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा एकदम भी नहीं दबाते हैं। तो दोस्तों ये अपना सीधा पैर, इन दोनों को इस पे पुश करना है, और ये क्लच को अपन को, मेन ये क्लच होता है, क्लच को अपन एकदम भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक को कभी एकदम नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ब्रेक क्या होता है कि अपन अगर यदि एकदम लगा देंगे
तो गाड़ी एकदम रुकेगी, एकदम बहुत स्पीड से रुकेगी गाड़ी, और गाड़ी स्पीड से रुकी तो आपके भी चोट आ सकती है, सामने वाले किसी पीछे से आपकी गाड़ी में कोई घुस सकता है, पीछे से भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप इसका बात का ध्यान रखें कि पीछे से कभी भी ब्रेक एकदम ना लगाएं। तो दोस्तों ये चीज़ें, एक्सीलेटर को उस मोहब्बत से आपको प्रेस करना है, ये अपना सीधा पैर इन दोनों को ये पुश करता है ये, और ये वाला पैर परमानेंट इस पे ही रखा रहता है क्लच पे अपना। ये दोनों, एक पैर जो अपना सीधा वाला होता है, ये दोनों चीज़ों को, दोनों एक्सीलेटरों को, ये इन चीज़ों को चलाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।